हेलो दोस्तों, मेरा नाम सबी अहमद खान है। मेरे पास आज एक BMW है 520i पेट्रोल। इसका हम लोगों ने ऑयल चेंज किया है। ऑयल चेंज करने पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर पे कोई भी मैसेज नहीं है, लेकिन जब हम व्हीकल इंफॉर्मेशन में जाते हैं, व्हीकल स्टेटस में जाएंगे और यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट चेक करेंगे, रिक्वायर्ड चेक है, तो यहाँ इंजन ऑयल के लिए सर्विस रिक्वायर्ड। ऑलरेडी मैंने इंजन ऑयल इसका चेंज कर दिया है, तो अब मैं इसे रीसेट करूँगा। रीसेट करने का तरीका आपको बताऊँगा। मेरे पास डिवाइस है लॉन्च का, जिसके ज़रिए मैं रीसेट करूँगा। तो रीसेट करने के लिए सबसे पहले मैं रीसेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ ऑयल रीसेट है उसमें जाऊँगा। कन्फर्म किया, ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, तकरीबन काम इससे बहुत अच्छा निकलता है। BMW के अंदर गया हूँ, ओके करूँगा। मेंटेनेंस रीसेट, सॉफ्टवेयर रीसेट, ऑटो सर्च, ये ऑटोमेटिक सर्च करेगा और निकालेगा मेरे पास क्या क्या इसके अंदर होना है। यहाँ इंजन ऑयल आ गया ऑटो रिसर्च में, सॉफ्टवेयर रीसेट में जाऊँगा, ओके किया। ओके करने के बाद यस का बटन दबाऊंगा तो वो सॉफ्टवेयर रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ यस गलती हो गई, यस दबाया और वहाँ आपको देखें इंजन ऑयल ओके आ गया और यहाँ भी हमारे पास ओके आ गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ हो इस वीडियो से, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।